Hello everyone, welcome to Agriculture Radar 24/7 and very very good morning all of you. तो आज हमारी मंडे को 11 बजे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की क्लास है, जिसमें हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के ही क्वेश्चन करेंगे एंड अ लिटिल बिट डिफरेंट नहीं डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू, बट आज के क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, तो आज आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है. लेकिन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अड्डा की ऐप के बारे में बता देती हूँ. हमारी ये जो अड्डा की ऐप है, ये बहुत यूज़फुल है. इसमें आपको सबसे पहले तो जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, कौन सी जॉब निकल रही हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं एंड व्हाट्स द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, राइट. उसके बाद जो है आपके करंट अफेयर्स, उनके टच में आप रहेंगे. आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विजेस में होंगे, पावर कैप्सूल होंगे जो बहुत बहुत यूजफुल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए. सो दे जस्ट बूस्ट अप योर प्रिपरेशन. आप ऑफकोर्स अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस से भी कर रहे हैं, पेड क्लासेस से भी कर रहे हैं, बट दे जस्ट एड ऑन टू दैट प्रिपरेशन. एंड मोबाइल इज ऑलवेज अवेलेबल इन आर हैंड, तो वो मतलब हैंडी भी हो जाता है ना. सो गो इन द प्ले स्टोर एंड टाइप AAA247 एंड डाउनलोड द अड्डा 24/7 की ये ऐप. अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे. अब बात करते हैं आज की क्लास की. तो आज की क्लास आपको पता ही है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर है. तो आज मैम आपके लिए इजी से क्वेश्चन लेके आई है. लेट्स सी कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है. मतलब इजी इन द सेंस थोड़े से कंसेप्चुअल ना हो करके, क्योंकि कंसेप्चुअल में तो बच्चे हमेशा अटकते ही हैं. थोड़ा रिलेटेड टू साइंटिस्ट होंगे, इफ दिस होंगे इफ दिस, एंड इस तरीके के क्वेश्चन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में अक्सर पूछे भी जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये क्लास विदाउट फर्दर ड्यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन जो है जी विशु एंड हिमेंद्र, वेलकम टू द सेशन गाइज. एंड ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन वॉज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट. जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था. वेंडर प्लैंक, ब्राउनिंग, फ्लोर और मार्शल. हु गेव द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी, शुभम, वेलकम टू द सेशन गाइज, रमेश. चलो तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दिया था भाई? फ्लोर ने दिया था, राइट. किसने दिया था? फ्लोर ने दिया था. क्या कहता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कहता है कि यदि लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म है ना, अगर हमारा ताला है जो एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलता है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी चाबी लगा दो, तो उसी तरीके से जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस होता है. जैसे प्लांट में रेजिस्टेंस जीन होता है, प्लांट में आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस जीन होगा, है ना. तो उसको हम R1, R2 किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. तो उससे मैचिंग जीन जो है पैथोजन में होगा. पैथोजन में उसका क्या होगा? विरुलेंट जीन होगा, ठीक है, विरुलेंट जीन. जब ये विरुलेंट जीन को AVR से डिनोट करते हैं, जब ये विरुलेंट जीन इस रेजिस्टेंट जीन से मैच करता है तभी डिजीज होती है. तो ये कंसेप्ट जो है फ्लोर ने दिया था कि भाई अगर आपके पेड़ में रेजिस्टेंट जीन है तो उस पर जब तक डिजीज नहीं होगी, जब तक पैथोजन के पास उसका मैचिंग ए विरुलेंट जीन मौजूद है, या फिर कहिए कि विरुलेंट जीन मौजूद है. जबकि विरुलेंट मतलब वो डिजीज कॉज कर सकता है, विरुलेंट है, एग्रेसिव है. तो विरुलेंस जो है हमेशा स्मॉल AVR से डिनोट की जाती है. मतलब ये जो जीन है ये रिसेसिव जीन है, डोमिनेंट जीन नहीं है, ठीक है. और रेजिस्टेंट जीन अक्सर कैपिटल R से डोनेट की जाती है. जब ये मैच होंगे तभी डिजीज होगी, अदरवाइज डिजीज नहीं होगी. तो ये कंसेप्ट फ्लोर ने दिया था, राइट जी. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, फिटनेस फ्रीक, रिया, गुड़िया, वेलकम टू द सेशन गाइज. तो चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं. इन 1911 द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट. फिजियोलॉजिकल रेसेस का कंसेप्ट पैथोजेंस में किस साइंटिस्ट ने दिया था? बैरस, ब्राउन, फ्लोर या फिर नाइट. हु गेव द फिजियोलॉजिकल रेसेस कंसेप्ट. यस, फिजियोलॉजिकल रेसेस का कंसेप्ट किसने दिया है?
बैरस ने दिया है ना? तो फिजियोलॉजिकल रेसेस जो हैं आपकी, वो एक पैथोजन की ही डिफरेंट रेसेस होती है, जिनका डिफरेंट वेराइटीज पर वो किस तरीके से अटैक करती हैं, कितनी डिजीज कॉज करवाती है, उसके बेसिस पर कर देते हैं ना। तो बेसिकली एक ही पैथोजन की डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रेसेस होती हैं, और ये फिजियोलॉजिकल रेसेस का कंसेप्ट किसने दिया था? बैरस ने दिया था, राइट? ए विल बी द आंसर। नाइट नहीं आएगा बच्चे, नाइट आपने कहाँ लगाना है? जब भी फ्रूट ब्रीडिंग की बात हो तो आप नाइट लगा देना है ना, फ्रूट ब्रीडिंग। यानी कि जब भी आपसे पूछे कि फ्रूट्स पर किसने सबसे ज्यादा काम किया या फ्रूट ब्रीडिंग पर सबसे ज्यादा काम किसने किया है, तो वहां पर आपको चूज करना है नाइट। ठीक है, चलिए। डिजीज एस्केप मे बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। डिजीज एस्केप इनमें से किसका रिजल्ट हो सकता है? अर्ली वेराइटीज डिजीज एस्केप करती है। अगर आप प्लांटिंग डेट या सोइंग डेट चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से डिजीज एस्केप कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ डिजीज कैरियर्स एंड पैथोजन। आप डिजीज कैरियर्स को या पैथोजन को क्रॉप तक पहुंचने ही ना दें, उन्हें कंट्रोल करें, तो इससे भी डिजीज एस्केप हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे आंसर। ठीक है, देखो डिजीज रेजिस्टेंस बेसिकली तीन तरीके की होगी। या तो वो प्लांट टॉलरेंट होगा, या रेजिस्टेंट होगा, या फिर वो एस्केप करेगा। ठीक है, एस्केप का मतलब क्या है? जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हुई, अगर आप उसके सामने ही नहीं आना चाहते अब, है ना, यू आर अवॉइडिंग कि वो सामने आए, तो वो क्या है? एस्केप है। वो बोले जा रहा है, वहीं पर खड़ा है, लेकिन आपका मेंटल पीस इतना अच्छा है कि आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उससे परेशान नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका टॉलरेंस अच्छा है ना। आप उससे अगर लड़ पा रहे हैं, तो ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट्स में होता है। तो आपका जो डिजीज एस्केप है, वो कैसे कैसे हो सकता है? भाई अगर हमें पता है कि भाई मेरी डिजीज लास्ट में आती है ना, जैसे कि आपकी वीट है, वीट का जो ब्लैक रस्ट है या स्टेम रस्ट है, ये लास्ट में आता है। तो ये क्या है, हम अगर उसको लास्ट में आता है, तो हम अगर सोइंग डेट है उसकी अगर आगे कर देंगे, तो जब तक वो डिजीज आती है हमारे एरिया में, तब तक क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है वो मेच्योर हो चुकी होती है, हम उसे हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो हार्म नहीं पहुंचाती है ना। तो डिजीज अर्ली वेराइटी या फिर सोइंग डेट्स वगैरह चेंज करके, या फिर पैथोजन उसके कॉन्टैक्ट में ही ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजीज एस्केप कर रहा है, क्योंकि वो डिजीज के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ रहा, उससे भाग रहा है, एस्केप कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट। इन केस ऑफ डिजीज, स्कोर ऑफ डिजीज 0 इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भैया ये स्पेशली रस्ट में है ना, तो रस्ट में अगर मैं कहती हूँ कि इस डिजीज की स्कोरिंग कीजिए, अगर किसी ने स्कोरिंग 0 रखी है, तो इसका क्या मतलब है? सॉरी, चेंज ऑफ वेदर ऑलवेज कम्स विद कोल्ड, है ना। चलिए, तो अगर डिजीज स्कोर 0 है, तो इसका क्या मतलब है? आपको कोई डिजीज सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर प्लांट रेजिस्टेंट है इसलिए डिजीज स्कोर 0 है। लैक ऑफ पैथोजन रिप्रोडक्शन, पैथोजन जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए डिजीज स्कोर 0 है। या फिर लैक ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया है, इसलिए डिजीज स्कोर 0 है। तो 0 स्कोर का क्या मतलब हो सकता है? यस, ए, लैक ऑफ डिजीज सिम्टम। देखो, आपको नहीं पता पैथोजन कांटेक्ट में आया नहीं आया, रिप्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सेकेंडरी बातें हैं। अगर मैं आपको कोई भी डिजीज की स्कोरिंग करने को कहती हूँ, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उसको देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि पेड़ पे कितनी डिजीज है, तो मुझे इसको 10 में से कितने स्कोर पर रखना है ना। तो देखकर आप सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर लगाते हैं। अगर उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है डिजीज का, वो हेल्दी प्लांट दिख रहा है, मतलब उसको आप 0 स्कोर देंगे। उसमें थोड़े बहुत स्पोर्स दिखाई दे रहे तो 1 देंगे, बहुत सारे स्पोर्स दिखाई दे रहे तो 10 देंगे। तो इस तरीके से हम चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लैक ऑफ डिजीज सिम्टम। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपने करेक्ट कर लेना है, लैक ऑफ डिजीज सिम्टम। चलिए, इन केस ऑफ इम्यून रिएक्शन, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। इम्यून रिएक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहेगा पैथोजन का?
0.1% रहेगा, 0.25% रहेगा, जीरो रहेगा या फिर लेस देन वन रहेगा. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन इन इम्यून रिएक्शन कैसा रहेगा, 0.1, 0.25, लेस देन वन या फिर जीरो, क्या होगा आंसर? देखो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को समझ लीजिए, है ना, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को समझ लीजिए कि जब भी आपका प्लांट इम्यून रिएक्शन शो करता है, ठीक है, एक आपका प्लांट रेजिस्टेंस शो करता है या फिर आपका प्लांट क्या होगा, ससेप्टिबल होगा. यही तीन कंडीशन है, राइट, ससेप्टिबल होगा. तो जब भी आपका प्लांट इम्यून रिएक्शन शो करेगा, आपका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा जीरो होगा. जीरो यानी कि बिल्कुल उस पैथोजन को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको डिजीज बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन क्या है, जीरो इन इम्यून रिएक्शन. रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में जीरो से तो ज्यादा होगा लेकिन वन से कम होगा, ठीक है, जीरो से ज्यादा होगा लेकिन वन से कम होगा, ठीक है. और ससेप्टिबल में क्या होगा, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन वन होगा. यानी कि भाई ससेप्टिबल प्लांट है, यानी कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पूरा हो रहा है जितना वो कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो वो प्लांट ससेप्टिबल है. पैथोजन रिप्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट पे कर रहा है, वन से कम है, जीरो से ज्यादा है, यानी कि इसमें आपको जीरो से वन की रेंज में मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस में मिलेगा. बिल्कुल पैथोजन को रिप्रोड्यूस नहीं किए जा रहा है, बिल्कुल आपको कोई डिजीज सिम्टम नहीं दिखता, जीरो डिजीज सिम्टम दिखता है, यानी कि वो प्लांट क्या है, इम्यून प्लांट है, उसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है. तो ये तीनों याद रखिएगा, किसी का भी पूछा जा सकता है. यहां पर आंसर आपका क्या है, सी रहेगा. द टर्म वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट. वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस किस साइंटिस्ट ने दिया है, ब्राउनिंग ने दिया है, वैन डर प्लैंक ने दिया है, मार्शल ने दिया है या फिर फ्लोर ने दिया है. वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस किसने दिया है, क्या होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. देखो एक टाइम पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शो करना और फिर एकदम से ससेप्टिबल हो जाना, ये वर्टिकल रेजिस्टेंस में दिखाई देगा, ठीक है. और थोड़ी बहुत डिजीज दिखाते रहना लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा ससेप्टिबल ना होना, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ना. अगर एक प्लांट आपको ऐसे दिखता है कि कल तक इसमें कोई सिम्टम नहीं थे डिजीज के, 5 साल बाद 10 साल बाद एकदम से ये प्लांट जो है ससेप्टिबल हो गया, इसमें फुल डिजीज आ रही है, यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंस है. कल भी इस प्लांट में थोड़े बहुत सिम्टम थे, आज भी इस प्लांट में थोड़े बहुत सिम्टम है, जो ना तो हमारी क्रॉप को बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, यील्ड को कम कर रहे हैं, लेकिन एब्सेंस भी नहीं है सिम्टम्स की, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है. ये वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट किसने दिया है, वैन डर प्लैंक ने दिया है. वैन डर प्लैंक गेव द वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इन द टर्म्स. The different mechanisms of disease resistance are which of the following? Different mechanisms of disease resistance क्या क्या है? Mechanical है, hypersensitivity है, hypersensitivity and nutritional है, mechanical and nutritional है, या फिर all of the above. इनमें से कौन से आपके disease resistance के mechanisms हो सकते हैं? Very very good morning, Bahadur Singh. बहादुर हो, जोकिंग. यस, मैकेनिज्म सिम्टम्स क्या होंगे, ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव. तो मैकेनिकल भी हो सकता है, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन. हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन किसे कहते हैं, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन मतलब पैथोजन के आते ही पैथोजन को मार देना या पैथोजन को बिल्कुल रिप्रोड्यूस ना करने देना, उसके लिए चाहे हमें अपने सेल्स को भी मारना पड़े तो कोई बात नहीं, है ना. तो ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है. हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपको हमेशा इम्यून में दिखाई देगा. इम्यून रिएक्शन में आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा, यानी कि इसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा आपका पैथोजन का,
जीरो होगा, है ना। तो कई बार इम्यून की जगह हाइपर सेंसिटिव लिख देता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या लगाना है। इम्यून सिस्टम एंड हाइपर सेंसिटिव सिस्टम सेम थिंग है। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये आपके प्लांट के सेल्स हैं, दीज आर योर प्लांट सेल्स, है ना। ये आपका जो है पैथोजन आया, यहाँ से इसमें एंटर किया, ठीक है। इसमें ये एंटर कर गया पैथोजन सेल में, अब आपका प्लांट क्या करेगा, आपका प्लांट अपने इन सेल्स को जो है मार देगा, डेड कर देगा, जो आसपास के सेल्स हैं। पीछे के सेल्स लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इन आसपास के सेल्स को डेड कर देता है ताकि ये जो पैथोजन है ये इनमें एंटर करके और आगे तक ना पहुंच सके, इसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यहीं पर रुक जाए, है ना। तो इस पैथोजन की एंट्री बंद कर देता है, ये जो डेड सेल्स है ना ये वॉल बना लेते हैं, चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं जिससे आगे पैथोजन नहीं जा पाता है, है ना। तो इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल वॉज गिवन बाय, बूम एंड बस्ट साइकिल का कंसेप्ट किन्होंने दिया है, फ्लोर ने दिया है, प्रिस्टले ने दिया है, बोरलॉग ने दिया है, या फिर फ्रे ने दिया है। बूम एंड बस्ट साइकिल कंसेप्ट किसने दिया है, फ्लोर, प्रिस्टले, बोरलॉग और फ्रे। बूम एंड बस्ट साइकिल का कंसेप्ट किसने दिया है, देखो बूम एंड बस्ट है ना, एक बार बूम होना है एकदम बस्ट होना है। तो बूम एंड बस्ट का मतलब बिल्कुल वही है जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस का मतलब है। जिस चीज में वर्टिकल रेजिस्टेंस होगी, जब उसमें वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है और उसके मैचिंग का कोई भी पैथोजन नहीं है, वो फुल रेजिस्टेंस शो करेगी। जब वो फुल रेजिस्टेंस शो करेगी तो सब लोग उसे प्रीफर करेंगे, मैं भी वही क्रॉप लगाऊंगी, वेराइटी लगाऊंगी अपने फील्ड में, आप भी वही वेराइटी लगाएंगे अपने फील्ड में। तो वो वैरायटी का बूम फेज होता है, जहां पर वो वैरायटी फेमस होती है, जहां पर सब उसको कहते हैं अरे बहुत अच्छी वैरायटी है तुम भी यही लगाओ, है ना। तो उसका बूम फेज होता है। फिर आज से भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद एक पैथोजन आ जाता है जो विरुलेंट होता है और उस क्रॉप पर अटैक कर सकता है, उस वैरायटी पर अटैक कर सकता है। तो एकदम से जितने एरिए में वो पूरी वैरायटी लग रही थी, उस पूरे एरिया में वो डिजीज फैल जाएगी, क्योंकि सबने एक ही वैरायटी लगाई हुई है। तो वो फेज क्या है, वो उस वैरायटी का बर्स्ट फेज है, ठीक है। तो बूम एंड बर्स्ट फेज की जो साइकिल है ये किन्होंने दी थी, प्रिस्टले ने दी थी। किन्होंने दी थी, प्रिस्टले गिव द बूम एंड बर्स्ट साइकिल। चलिए नेक्स्ट, जीन फॉर जीन रिलेशनशिप बिटवीन अ होस्ट एंड इट्स पैथोजन वॉज ऑरिजिनली प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो आपका होस्ट और जीन फॉर जीन का रिलेशनशिप है जो फ्लोर ने दिया था, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये फ्लोर ने किस चीज पर काम करके दिया था, किस चीज पर उन्होंने रिसर्च की थी। लीफ रस्ट ऑफ वीट पर काम किया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पर काम किया था, लिंसेड रस्ट पर काम किया था, या फिर विल्ट ऑफ कॉटन पर काम किया था। सो द आंसर इज लिंसेड। उन्होंने किस पर काम किया था, लिंसेड रस्ट पर काम किया था, ठीक है। सो द आंसर इज सी, लिंसेड रस्ट। पैथोजन फॉर रस्ट स्मट व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, जो आपके रस्ट के पैथोजन है, स्मट के पैथोजन्स हैं, या फिर व्हाइट रस्ट के पैथोजन्स हैं। ये पैथोजेंस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आते हैं, सेप्रोफाइट्स में आते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में आते हैं, या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स में आते हैं। पैरासाइट्स जो अपने न्यूट्रिशन दूसरों से डिराइव करते हैं, पूरी तरीके से उन पर डिपेंड होते हैं तो ऑब्लिगेट, आधे तरीके से डिपेंड करते हैं तो फैकल्टेटिव। और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स डेड चीजों पर फीड करते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, है ना। ट्रू डिप्लॉयड स्पीशी कौन सी होती है, बहादुर हम इस सेशन के लास्ट में बात करें, जैसे ही हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ट्रू डिप्लॉयड स्पीशी। हाँ जी, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अगर आपने सुना हो तो आपने कभी भी देखा होगा कि रस्ट के जो पैथोजेंस हैं या स्मट के जो पैथोजेंस हैं, इनको हम पैथोलॉजी में, जैसे साइंस मीडिया पर और पैथोजेंस ग्रो किए जाते हैं, उनकी स्टडीज की जाती है, आप स्मट या रस्ट के पैथोजेंस पे ऐसा नहीं कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को आप कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनको अपने जीवन के लिए दूसरे का लाइव सेल्स चाहिए होता है, उससे जैसे ही निकाले मर जाएंगे, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मर जाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। तो इनको आर्टिफिशियल मीडिया पर आप कैसे ग्रो करेंगे, है ना? तो इनको कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं किया जाता है। दीज आर योर ऑब्लिगेट पैरासाइट। द टर्म वर्टिफोलिया इफेक्ट वॉज गिवन बाय, वर्टिफोलिया इफेक्ट किन्होंने दिया था? बटलर ने दिया था, फ्लोर ने दिया था, वैंडर प्लैंक ने दिया था, या फिर प्रिस्टले ने दिया था? वर्टिफोलिया इफेक्ट इनमें से किस साइंटिस्ट ने दिया है? बटलर, फ्लोर, वैंडर प्लैंक या प्रिस्टले? जी, वर्टिफोलिया इफेक्ट किसने दिया है? अगेन आपके वेंडर प्लैंक ने दिया है ना? वर्टिफोलिया इफेक्ट भी किसने दिया है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस भी वेंडर प्लैंक ने दिया है। वर्टिफोलिया इफेक्ट भी आपके वेंडर प्लैंक ने दिया है। वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या है? ये वर्टिफोलिया एक वेराइटी का नाम है, ये एक वेराइटी का नाम है। वेराइटी किसकी है? पोटैटो की है, ठीक है? पोटैटो की वैरायटी है वर्टिफोलिया। पहले बहुत अच्छी थी, बहुत रेजिस्टेंस शो कर रही थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के खिलाफ। किस डिजीज भी याद कर लीजिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना? लेकिन एकदम से कोई विरुलेंट पैथोजन आया और उसने क्या किया, इसको अटैक किया, और क्योंकि इसमें वर्टिकल रेजिस्टेंस थी तो वो रेजिस्टेंस जल्दी से ब्रेक हो गई। तो ये क्या था? ये वर्टिफोलिया इफेक्ट था, है ना? तो बूम एंड बस्ट साइकिल एक्चुअली वर्टिफोलिया इफेक्ट सेम थिंग है, बस वर्टिफोलिया इफेक्ट पोटैटो में दिया है, वेंडर प्लैंक ने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज के ऊपर दिया है, बूम एंड बस्ट साइकिल प्रिस्टले ने दी है, इतना ही फर्क है, ठीक है? चलिए, इन इंडिया द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ वीट वॉज Discovered by which of the following scientist? Life cycle of rust इनमें से किस scientist ने दिया है? A वर्मा ने दिया है, KC मेहता ने दिया है, KS गिल ने दिया है, या शावने ने दिया है? Who gave the life cycle of stem rust? आप सभी को पता है stem rust के spore कहाँ से travel होकर आते हैं? हिमालयन region से travel होकर आते हैं। अपने यहाँ पर कहाँ कब तक पहुँचते हैं? ये आपके फरवरी मार्च के आसपास हमारे यहाँ पहुँचते हैं, और हमारे यहाँ जो प्लेन्स में है, अपने फील है, उन पे डिजीज कॉज करते हैं, राइट? फिर इनका जो अल्टरनेटिव होस्ट है, दैट इज योर अल्टरनेट होस्ट, और बताइए, चलिए फिर बात करेंगे। अल्टरनेट होस्ट ऑफ रस्ट ये भी पूछा जाता है। Alternate host of rust, और ये जो alternate host है ये किधर पाया जाता है? ये आपका hilly area में पाया जाता है, मतलब ये off season में hilly area में रहती है alternate host में, और yes Barbary, है ना? तो ये Barbary आपका क्या है? alternate host है। इस पर आपका ये हिमालयन region में रहता है, फिर वहां से इसमें क्या बनते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स ट्रेवल होकर आते हैं अपने प्लेन रीजन में जहां पर ये डिजीज कॉज करते हैं, उसके बाद वापस से ये साइकिल इसी तरीके से शुरू होती रहती है हर साल, है ना? तो ये लाइफ साइकिल किसने दी थी आपकी? केसी मेहता ने दी थी। रस्ट पर सबसे ज्यादा काम केसी मेहता ने ही किया, याद रखिएगा, रस्ट पर सबसे ज्यादा काम केसी मेहता ने ही किया है इंडिया में, है ना? कभी भी कॉटन का पूछे तो सीटी पटेल लगा देना, और रस्ट का पूछे तो केसी मेहता लगा देना। द टर्म स्ट्रॉन्ग एंड वीक जीन कंसेप्ट वॉज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? स्ट्रॉन्ग जीन और वीक जीन का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है? मैथर ने दिया है, प्रिस्टले ने दिया है, फ्लोर ने दिया है, या वेंडर प्लैंक ने दिया है? देखो, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वेंडर प्लैंक ने दिया है। इसी कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग जीन और वीक जीन का कंसेप्ट आता है, उसी के हिसाब से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनते हैं। तो ये भी किसने दिया है? वेंडर प्लैंक ने दिया है, है ना? वेंडर प्लैंक ने ही दिया है बच्चे आपका। नहीं, मैथर नहीं आएगा, वेंडर प्लैंक आएगा इसका, ठीक है? वेंडर प्लैंक। तो स्ट्रॉन्ग जीन और वीक जीन का कंसेप्ट किसने दिया है? वेंडर प्लैंक ने ही
दिया है. रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. रस्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल है? सॉइल बोर्न डिजीज का है, एयर बोर्न डिजीज का है, सीड बोर्न डिजीज का है, या इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज का है? रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रस्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल है? सॉइल, एयर, सीड या इंसेक्ट ट्रांसमिटेड? जी, रस्ट क्या है? एयरबोर्न डिजीज है. क्या है? एयरबोर्न डिजीज है ना. अभी तो मैंने बताया वहां से हिमालय से स्पोर उड़ के प्लेन्स में आ रहे हैं, तो स्पोर उड़ के आ रहे हैं यानी एयरबोर्न डिजीज है ना. तो यहां पर आंसर क्या आएगा? एयरबोर्न डिजीज बी. एपिडेमिक्स आर कॉमन अकरेंस इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ज्यादा एपिडेमिक किस डिजीज में होती है? जो सॉइल बोर्न होती है उसमें एपिडेमिक ज्यादा आती है, एयर बोर्न में एपिडेमिक ज्यादा आती है, या सीड बोर्न में एपिडेमिक ज्यादा आती है, या वायरल डिजीजेज में एपिडेमिक ज्यादा आती है? एपिडेमिक्स यानी कि ज्यादा एरिया में, मतलब वो डिजीज जल्दी फैल जाती है तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे, है ना. तो एपिडेमिक किस डिजीज में ज्यादा आएगी? सॉइल बोर्न में, एयर बोर्न में, सीड बोर्न में, या फिर वायरल डिजीजेस में? अगेन इसका आंसर क्या होगा? अगेन इसका आंसर होगा एयरबोर्न. क्या होगा? एयरबोर्न, है ना. क्योंकि एयरबोर्न बहुत जल्दी स्प्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो एपिडेमिक्स ज्यादातर एयरबोर्न डिजीज में ही आती हैं. आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा. The concept of multi-line varieties are given by. Multi-line variety का जो ये concept है ये किसने दिया है? Multi-line एक तरीके से horizontal resistance show करती है, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, बहुत सारी प्योर लाइन को मिक्स कर लेते हैं, है ना. तो बहुत सारी प्योर लाइन को मिक्स कर लेते हैं, जैसे प्योर लाइन वन, प्योर लाइन टू, प्योर लाइन थ्री, प्योर लाइन फोर, ये लाइन्स हैं. अब इन प्योर लाइंस में मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंट जीन R1 है, इसमें रेजिस्टेंट जीन R2 है, इसमें R3 है, R4 है, तो ये क्या करेंगे? क्योंकि हम इनको मिक्स करके लगा रहे हैं अपने फील्ड में, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस शो करेंगे. मान लीजिए कोई पैथोजन आ जाता है ना, कोई पैथोजन आ जाता है जो R1 पर अटैक कर देता है, ये तीनों तो फिर भी बच गए, आपके फील्ड की यील्ड जीरो कभी नहीं आएगी. मान लीजिए वो R3 पर अटैक करता है, तो ये तीनों तो फिर भी बच गए, यानी कि आपकी फील्ड की डिजीज जीरो कभी नहीं होगी जैसे वर्टिकल रेजिस्टेंस में होती है. तो ये मल्टी लाइन का जीन कंसेप्ट किसने दिया था बच्चे? जेनसन ने दिया था, है ना. ए जेनसन गेव द मल्टी लाइन कंसेप्ट. और ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ओके, द कंसेप्ट ऑफ क्लीन क्रॉप मल्टी लाइन अप्रोच एंड डर्टी क्रॉप मल्टी लाइन अप्रोच वॉज गिवन बाय. अब मल्टी लाइन्स तो बता दिए जेनसन ने कि प्योर लाइन को मिक्स करके मल्टीपल लाइन बना लेते हैं, लेकिन क्लीन मल्टीपल लाइन रखनी है या डर्टी मल्टीपल लाइन रखनी है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? ब्राउनिंग ने दिया था, मार्शल ने, फ्रे ने, या फिर बोरलॉग ने? तो मैंने आपको जैसे अभी दिखाया ना लाइन्स बनाकर, आपके मल्टी लाइन्स क्या है? बहुत सारी प्योर लाइन मिक्स है. तो क्लीन क्रॉप तो कहता है, मान लीजिए आपकी मल्टी लाइन नंबर 5 जो है उस पर किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया है, उस पर डिजीज आ गई है, तो उसको हटा दीजिए और उसकी जगह दूसरी नई रेजिस्टेंट जीन वाली इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, ताकि आपकी क्रॉप जो है क्लीन रहे, किसी में भी कोई सिम्टम ना दिखे. तो जैसे ही कोई लाइन यहाँ पर क्या होगा, सिम्टम दिखाएगी, उसको हम रिप्लेस कर देंगे. ये होती है क्लीन क्रॉप अप्रोच. अगर हमें लगता है इतना भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है यार, और मल्टी लाइन्स तो यील्ड दे ही रही है, तो इतना हमारी यील्ड पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको पड़े रहने देते, क्या रिप्लेस करेंगे, है ना. तो ये क्या है? आपकी डर्टी क्रॉप अप्रोच है. तो डर्टी क्रॉप अप्रोच और क्लीन क्रॉप अप्रोच किसने दी है? मार्शल ने दी है ना. बी मार्शल विल बी द राइट आंसर. Which of the following is not involved in classical plant breeding practices? इनमें से कौन सा classical plant breeding में involve नहीं किया जा सकता है? Hybridization of pure lines, artificial selection, desirable traits of higher yield or molecular biology.
इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट नहीं है? क्या होगा आंसर? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट नहीं है। डी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो भाई, क्लासिकल यानी कि पुराना है ना। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हमें सेलेक्शन, क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन यही सब करवाना होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए, जो आजकल हम प्रॉपर प्लांट ब्रीडिंग अब कम होती जा रही है, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा होती जा रही है टाइम के साथ, राइट? तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये पहले का कंसेप्ट नहीं है, ये रिसेंट रिसर्चेस है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में इंट्रोड्यूस नहीं होती है, तो ये उसका पार्ट नहीं है। तो डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग? इनमें से कौन सा प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड ही नहीं है? हेल्प्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की यील्ड बढ़ेगी। पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका पर्पसफुल मैनिपुलेशन करना, बदलाव करना। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट पैदा करना, या फिर नॉट सूटेड फॉर कल्टिवेशन। इनमें से कौन सा प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट ही नहीं है? तो देखो, ये तो तीनों फर्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या है, आपके पॉजिटिव ऑप्शन है। ये तो हम चाहते हैं कि हमारी प्लांट में आए तो वो प्लांट ब्रीडिंग में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन हम फोर्थ नहीं चाहते हैं ना, जो चीज़ सुटेबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए उस पर हम क्यों ही दिमाग खराब करने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? डी, है ना? यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? डी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रॉप प्लांट? इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेट है जो किसी क्रॉप प्लांट में हमें नहीं डालना चाहिए? डिक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इंक्रीज्ड यील्ड, रेजिस्टेंस टू पैथोजन, इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इनमें से कौन सा ट्रेट है जो आप अपने प्लांट में कभी नहीं डालना चाहेंगे? डिक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, रेजिस्टेंस टू पैथोजन, इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट, या फिर इंक्रीज्ड यील्ड। यस, तो आंसर क्या है? फिर से ये तीनों क्या है? पॉजिटिव साइड्स हैं, ये आपकी नेगेटिव साइड है ना। हम कभी नहीं चाहेंगे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस से हमारा प्लांट जूझे, या फिर उसको टॉलरेंस कम हो या उसकी इम्यूनिटी कम हो। तो ये क्या होगा, हम अपने प्लांट में कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहेंगे, है ना? तो आंसर क्या होगा? ए आपका आंसर होगा। Which of the following is the main step in carrying out the plant breeding techniques? इनमें से प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में कौन सा मेन या आपका जो है टेक्निक है? कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी को कलेक्ट कीजिए। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डिजीज प्लांट, डिजीज प्लांट का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, जो भी हमें अच्छे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स मिले उन्हें सेलेक्ट करना, उन्हें रिप्रोड्यूस करवाना, उनकी क्रॉसिंग्स करवाना। इवैल्यूएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, या फिर हाइब्रिडाइजेशन से पहले पेरेंट्स को सेलेक्ट करना, उन्हें इवैल्यूएट करना। इनमें से कौन सा हाइब्रिड प्लांट ब्रीडिंग का मेन स्टेप नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा आंसर? यस, आंसर क्या होगा? बी, है ना? आंसर क्या होगा? बी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन विद डिजीज्ड प्लांट। हम भाई डिजीज्ड प्लांट से क्यों हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, हम हेल्दी प्लांट से करवाएंगे। तो अब एक शब्द जो है पूरा मतलब चेंज कर देता है। तो इन ऐसे स्टेटमेंट्स इजी है, इजी टू अटेम्प्ट है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहना है। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? बी आपका आंसर आएगा। Which of the following step is the main root of any plant breeding program? इनमें से कौन सा एक कोई भी main root है कि इसके बिना काम ही नहीं हो सकता plant breeding में? Genetic variability है, evaluation and selection of parents, या फिर cross hybridization among the selected parents, या selection and testing of superior recombinants? Which of the following are the main steps for the प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? क्या होगा आंसर? यस,
नहीं, मेन बच्चे आपका क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी. क्या है जेनेटिक वेरिएबिलिटी? देखो, किसी भी चीज के लिए आपको सिलेक्शन करना है, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए करना है, चाहे आपको सॉल्ट टॉलरेंस के लिए करना है, चाहे इंक्रीज यील्ड के लिए, सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिएगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी. अगर उसमें वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे. अगर वेरिएबिलिटी ही नहीं है तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? अगर मैं आपको ऐसे दुकान पर छोड़ दूं जहां पर सारी सेम साइज की, सेम कपड़े की और सेम कलर की टी शर्ट है, तो आपको क्या सिलेक्शन करना है? कोई सिलेक्शन नहीं करना है ना. तो वेरिएबिलिटी होगी तभी तो कपड़े सेलेक्ट करेंगे ना, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है. तो सेम इज विद द प्लांट ब्रीडिंग, वेरिएबिलिटी है तभी हम कोई सिलेक्शन कर पाएंगे. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी. Which of the following is not included in germ plasm collection? इनमें से कौन सा germ plasm collection में include नहीं होता है? Wild relatives, old improved varieties, diseased varieties या pure lines? यानी कि अगर आप germ plasm collection करने निकलेंगे इस crop का, तो इन इन plants को आप germ plasm collection में involve नहीं करेंगे. वाइल्ड रिलेटिव्स को नहीं करेंगे, प्योर लाइन्स को नहीं करेंगे, या ओल्ड इम्प्रूव्ड वेराइटीज को नहीं करेंगे, या डिजीज वेराइटीज को नहीं करेंगे. यस, तो हम डिजीज प्लांट वेराइटीज को नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे हमारे कभी कोई काम नहीं आने वाली है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, है ना, डिजीज प्लांट. Which crop show resistance to salt? इनमें से कौन सी क्रॉप है जो सॉल्ट से रेजिस्टेंस शो करती है? शुगर बीट है, बार्ले है, कॉटन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? Which crop show resistance to salt? शुगर बीट, बार्ले, कॉटन और ऑल ऑफ द अबव? क्या आएगा आंसर? यस, ऑल ऑफ द अबव. क्या होगा? क्योंकि ये सारी शुगर बीट, बार्ले और कॉटन तीनों ही आपकी जो है सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि जो सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है उनमें तीनों को उगाया जा सकता है, शुगर बीट को भी, बार्ले को भी और कॉटन को भी. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, डी आपका आंसर आएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्विज गाइज. आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है. कल कल नहीं, परसों मिलेंगे. अब हम 11 बजे ऑल्टरनेट आपकी क्लास होगी, है ना. तो आज हम सुबह 11 बजे मिल रहे हैं मंडे को, फिर हम मिलेंगे वेडनेसडे को, और फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को सुबह 11 बजे. सो गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FCI, आपका नया बैच जो है 7th ऑफ अक्टूबर से शुरू हो रहा है. एनरोलिंग फीस यहाँ पर लिखी हुई है, एंड यू विल गेट 80% ऑफ ऑन द कोड Y448A, राइट. और IBPS AFO का नया बैच शुरू हो रहा है कब से भाई, 6th अक्टूबर से, ठीक है. 6th अक्टूबर से आपका जो है IBPS SO का नया बैच शुरू हो रहा है. सो इफ यू वांट टू एनरोल, 6 अक्टूबर से पहले एनरोल कीजिए. 3 अक्टूबर आज ऑलरेडी हो गई है, सो दैट क्लासेस मिस ना हो, है ना. तो फटाफट से एनरोल कीजिए. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्रीकल्चर एग्जाम, तो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक ऑल्सो, क्योंकि आपके सभी लाइव बैचेस पर 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी चल रही है. फेस्टिव धमाका है ना भाई. अड्डा ने सोचा कि हम भी कंपटीशन में आते हैं, मिंत्रा पे सेल है, अमेजन पे सेल है, तो इन्होंने कहा हम भी सेल लेके आएंगे. सो ऑन ऑल योर लाइव बैचेस इट इज 80% ऑफ विद डबल वैलिडिटी. डबल वैलिडिटी भी है और 80% ऑफ भी है. इसका प्राइस इसमें 6399 हो जाएगा विद 80% ऑफ यूजिंग द कोड Y448A. ए फॉर एग्रीकल्चर जरूर लगाना है इफ यू वॉन्ट टू गेट द डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ, जिसमें ये सारे एग्जाम्स आपके कवर करवाए जाएंगे, राइट. कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है अभी बताती हूँ, लेकिन क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ दोनों ही बांटने से बढ़ते हैं. कैसे इनमें एनरोल करना है, कैसे आपको नेविगेट करना है वो एक बार बता देती हूँ. आपने गूगल खोलना है और Adda247 टाइप करना है, और आपकी साइट इस तरीके की दिखाई देगी. यहाँ सबसे ऊपर आपने ऑल कोर्सेज में जाना है, एग्रीकल्चर चूज करना है ऑल कोर्सेज में, और आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जो कोर्सेज हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है. आप AFO की तैयारी करें तो AFO को सेलेक्ट करेंगे. अब क्योंकि AFO एग्रीकल्चर महापैक में आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर महापैक भी दिखाई देगा.
एएफओ का आपका नया बैच जो 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और ये आपका प्री रिकॉर्डेड बैच है, मतलब इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप चाहें तो रिकॉर्डेड क्लासेस वाला भी ले सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होगी, ठीक है? तो जिसमें भी आप एनरोल करें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ इसमें गिवन होता है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सही लगे तो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, एक नई विंडो आती है, इसमें टाइप कीजिए Y448A। जैसे यहाँ पे Y448A करके अप्लाई करेंगे तो वहां पर प्राइस जो है 80% रिड्यूस हो जाएगा एज आई सेड, और 6399 में आपको पूरे 2 साल के लिए सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे सारे टीचर्स के, चाहे आप एफसीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड है, वो सारे बैचेस आपको एग्रीकल्चर महापैक में इंक्लूडेड होंगे। सो इफ यू वॉन्ट, दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल विद 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और तब तक आप लोग फ्रेशन अप हो जाइए, चाय पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, और फिर मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।